बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। सूरह रहमान पढ़ने के फायदे। नंबर एक, सूरह रहमान पढ़ने वाले शख्स की अल्लाह दुनियावी जिंदगी में तो मदद करेगा ही, साथ साथ आखिरत में भी अल्लाह उस बंदे का साथ देगा। नंबर दो, सूरह रहमान पढ़ने वाला शख्स हर तरह की बीमारी से बचा रहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सूरह रहमान पढ़ना शुरू किया और दिल की बीमारी, डिप्रेशन, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों से उन्हें निजात मिली है। नंबर तीन, सूरह रहमान में ऐसी चमकदारी ताकत है जिससे बंदे की हर तरह की गंभीर बीमारी खत्म हो जाती है। हार्ट के मरीजों के लिए सूरह रहमान पढ़ना बहुत मुफीद है। नंबर चार, सूरह रहमान उन सूरों में से एक सूरह है जिसको पढ़ने से दिमाग, दिल और बदन शांत रहता है। टेंशन, मरने का डर या किसी भी तरह के डर को दूर करने के लिए रोजाना सूरह रहमान पढ़ें या सुने। नंबर पांच, मानसिक रूप से परेशान लोगों को सूरह रहमान रोज पढ़ना चाहिए। इसकी बरकत से कुछ ही दिनों में सारी दिमागी बीमारी दूर हो जाती है। नंबर छह, शादी में रुकावट या रिश्तों में रुकावट को दूर करने में सूरह रहमान एक बहुत अच्छी सूरह है। इसकी पाबंदी से तिलावत करने से रिश्ते में कभी दरार नहीं आती और रुके हुए रिश्ते वापस जुड़ जाते हैं। नंबर सात, सूरह रहमान पढ़ने वाला हमेशा बुरी नजर से बचा रहता है। कोई भी जादू या कोई खराब हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस सूरह को पढ़ने से इंसान हमेशा दुश्मन की नजर से बचा रहता है। नंबर आठ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर इंसान को कामयाबी अल्लाह ही देता है और नाकामी भी अल्लाह ही देता है। सूरह रहमान की तिलावत करने वाले शख्स को अल्लाह की तरफ से बेशुमार कामयाबी हासिल होती है। नंबर नौ, अगर कोई अपने दिन की शुरुआत सूरह रहमान की तिलावत से करेगा तो उसका पूरा दिन अच्छा निकलेगा और पूरे दिन अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। नंबर दस, सूरह रहमान पढ़ने वाले शख्स का दिल बहुत साफ हो जाता है। वो शख्स हमेशा लोगों की भलाई के बारे में ही सोचता है। नंबर ग्यारह, अगर किसी को नींद ना आने की बीमारी है तो उसे चाहिए कि रोजाना ईशा की नमाज के बाद सूरह रहमान पढ़कर सोया करे। ऐसा रोजाना करने से इंशाअल्लाह नींद ना आने की बीमारी दूर हो जाएगी। नंबर 12, अगर कोई शख्स हर वक्त किसी बात को लेकर टेंशन में रहता है, हर वक्त कोई डर उसे सताता है, तो उसके लिए सूरह रहमान सबसे अच्छी सूरह है जिसे पढ़कर वो इस परेशानी से निकल सकता है। नंबर 13, आजकल लोगों के जिस्म में अलग अलग तरह का दर्द रहता है, जैसे घुटनों का दर्द, सीने में दर्द वगैरह। सूरह रहमान की तिलावत करने से हर तरह के दर्द से छुटकारा मिलता है। नंबर 14, अपने घर और कारोबार की हिफाजत के लिए सूरह रहमान की रोजाना तिलावत करें। इन सब फायदों के अलावा भी सूरह रहमान पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। इस सूरह में हर मर्ज का इलाज है, खासकर जो बदन से जुड़ी किसी भी तरह की बीमारी से परेशान है, उनको तो सूरह रहमान आज से ही पाबंदी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। हर इंसान को चाहिए कि ये सूरह को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर ले, फिर देखें आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। अल्लाह से दुआ है कि ऐ अल्लाह, हम सबको सेहत वाली जिंदगी अता फरमा, आमीन। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें, इंशाअल्लाह सबकी मुराद पूरी होगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी